वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का स्वागत करते हैं, दोबारा पुनः वापस आप लोगों के साथ में हाजिर हुए हैं। और जो बच्चे कल परसों अपने लाइव सेशन रखा था, जिन्होंने वो क्वेश्चंस पेपर्स नहीं देखा, तो गुजारिश करूंगा मैं दोबारा बेटा जी आप लोगों से कि वो क्वेश्चंस पेपर आप लोग जरूर देखें। ठीक है, बकायदा आप लोग लाइव नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस पेपर को आप लोग जरूर देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप के पैटर्न्स के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और नो डाउट कई आए थे, काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे। यूं ही पढ़ते रहना, जल्द ही हम लोग एक नए चैप्टर का भी वापस सेशन रखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हाफ ईयरली भी पास में आने वाली है, देन अपने डिस्कस करते रहेंगे, हर एक चीज को डीपली से पढ़ेंगे। और नो डाउट कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस प्रकार से, वो तमाम बातें आप लोगों को मैं बताता चला जा रहा हूँ। चलिएगा, कल की क्लासेस की अगर बात करें तो अपने थोड़े बहुत कॉमेंट्स आए थे मेरे पास कि चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक्स रह गए हमारे, तो एक दो टॉपिक बचा हुआ है, तो आइए आज उसी टॉपिक को अपने स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में अपना चैप्टर जो 4th है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी डिस्कस ए न्यू चैप्टर, हो सकता है कोई चैप्टर अपने लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेते हैं या थर्मोडायनेमिक्स लेते हैं, वो देखते हैं अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी। पिछली क्लास के अंतर्गत तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना, कई सारी चीजें तुम लोगों ने डिस्कस कर ली, लेकिन कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस अपने थोड़े बहुत रह गई थी, है ना, एक दो डेफिनेशन रह गई थी, वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर अपने जो एक टॉपिक डेफिनेशन बची हुई है बस, बाकी पूरा चैप्टर आप लोगों को बकायदा मैंने अच्छी तरीके से करवाया है। तो बेटा जी टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद, क्या होता है ये हाइड्रोजन बंद, किसे कहते हैं हाइड्रोजन बंद, इनके बारे में तमाम हमारी बातें रहेंगी आज। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है, ये वाली क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, और इस क्लास के अंदर अपने पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, और नो डाउट अपने इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ में मैं थोड़ा रखूंगा, ताकि पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने एच बंद के बारे में, क्या होता है एच बंद, आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, शुरुआत करते हैं एच बंद, क्या होता है एच बंद, अपने मार्कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये लीजिए। हाँ जी, देखो एक बात बताऊं मैं कि हाइड्रोजन जो एटम है हमारा बेचारा कमजोर होता है, बिल्कुल मेरी तरह, ना आपकी तरह काफी मस्त खूबसूरत आप लोगों की तरह कोई अदर एटम होते हैं, हाइड्रोजन बेचारा मेरी तरह वीक होता है बेचारा। तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, विद्युत ऋणता सबसे कम है, ध्यान रखना, है ना। EN जिनको तुम लोगों ने पढ़ा था, EN ऑफ हाइड्रोजन काफी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है इसकी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने बेखूबी से पढ़ा हुआ है बेटा जी, विद्युत ऋणता क्या होती है, तुमने ये तमाम बातें डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी, the capability of the atoms for attract the electron towards them, that's phenomenon is known as electronegativity. Hydrogen के द्वारा ही नहीं बल्कि परमाणु के द्वारा या परमाणु में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियस होता है वो नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये कैपेबिलिटी हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। एंड नाउ वी डिस्कस दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज वेरी लेस, इसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है, इसलिए ये क्या करता है, ये उनके पास जाएगा, किन के पास, ये उनके पास जाएगा, किन के पास, ऐसे एटम के पास जाएगा जिनका EN ज्यादा हो, जिनका EN ज्यादा नहीं बल्कि सबसे ज्यादा हो, क्योंकि बेचारा बहुत कमजोर है, तो ये उसके पास में जाएगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बोले तो जिसका विद्युत ऋणता जिसकी EN बहुत ज्यादा होगी। तो अपने जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है, इसलिए ये उनके पास जाएगा जिनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा। और पूरे ऑल ओवर पीरियोडिक टेबल की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों, तो FON ये तीन एटम ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, F बोले तो फ्लोरीन, O बोले तो ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन इज द N नाइट्रोजन।
तो ये हाइड्रोजन जो है ये बेचारा भागा भागा इनके पास जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा। इनकी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा। इसलिए ये मेरा हाइड्रोजन इनके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, पार्शियल बॉन्ड, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं, जस्ट दिस इज, इनके साथ क्या बनाएगा, ऐसे पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा इस प्रकार से। तो कौन किसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, आई अगेन रिपीट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज वेरी लेस, सो इट्स फॉर्म द बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड विद द एटम विच हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सो इट्स फॉर्म द पार्शियल बॉन्ड, ये पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है विद दोस टाइप ऑफ द एटम विच हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लेस, उनके साथ जिनकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो बात मैं बताने जा रहा हूं सुन लेना, एफ ओ एन यानी कि जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन एफ के साथ बॉन्ड बना सकता है, ओ के साथ बॉन्ड बना सकता है, एन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ये केवल बेचारे गिने चुने तीन एटम ही हैं जिनके साथ हाइड्रोजन एच बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, फोन के साथ, किसके साथ, फोन के साथ, और फोन पे कभी कभी कोल भी आ जाता है, तो कभी कभी ये सीएल के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा, लेकिन सीएल के साथ में जो बॉन्ड बनाने वाला जो कंपाउंड है वो बस एक दो कंपाउंड है, लेकिन सीएल को तुम लोग काउंट मत करना, एक्सेप्शन, एक आधा एक्सेप्शन है बेटा जी। तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो मेरे प्यारे साथियों इनके बीच में या इसके बीच में या इसके बीच में बनेगा, फोन के साथ बनेगा, फोन के साथ। तो आओ डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन मेरे प्यारे साथियों क्या लिखने हैं, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम जानते हैं, पहले हिंदी वाली लिख लो बेटा, हम जानते हैं कि H का En बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, En कम होता है, विद्युत ऋणता कम, En कम होता है, इसलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसलिए यह बोले तो हाइड्रोजन उच्च विद्युत, उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु जैसे एफ ओ एन के साथ आंशिक बंद, जो एक दुर्बल बंद होता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, बंद का निर्माण करता है जिसे क्या कहोगे, एच बंद कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे बाबू, हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज वेरी लेस। हाइड्रोजन का ई एन क्या दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन का ईएन सबसे कम दिख रहा है, बिल्कुल कम दिख रहा है, इसलिए ये किसके साथ, उनके साथ जिसका ईएन ज्यादा हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, उसके साथ ये क्या बनाता है, आंशिक बंध, आंशिक बंध बोले तो दुर्बल बंध बनाता है, एक वीकली बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड बनाता है, और इसी वीक बॉन्ड को तुम क्या बोलोगे, एच बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम आप लोग लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, वी नो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज वेरी लेस, so it's formed a partial या weak bond with the high electronegativity atoms, so it's the formed a partial bond या weakly bond with the highly electronegativity elements या atoms, that's known as the hydrogen bond, उसी को तुम क्या बोलोगे, hydrogen bond के नाम से जानते हैं। प्रश्न कल को आ जाए कि H bond जो है वो एक प्रकार का कैसा bond है, तो तुम लोग बताओगे बेटा जी एक प्रकार का, बेटा जी ये दुर्बल बंध है, ये दुर्बल का मतलब वीक बॉन्ड है, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा इतना ज्यादा है ना, तो ये एक प्रकार का वीक बॉन्ड होता है। तो कौन किसके साथ है बंध बनाता है, हाँ ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन परमाणु सामान्यतः एफ कोमा ओ कोमा एन के साथ, के साथ
एच बंध का निर्माण करता है। बात आगे समझ में मेरे प्यारे साथियों, निर्माण करता है। अपवाद लिख लेना, अपवाद एक ही अपवाद है, कभी कभी ये सीएल के साथ बनाएगा बस, और सीएल के साथ में जो बनाएगा एच बंध उसका केवल एक एग्जांपल है जो आप लोग डिस्कस नहीं करोगे, वो रहने दीजिए आप लोग। तो यहां तक थी हमारी बात किसके बारे में, यहां तक हमने डिस्कस किया है कि एच बॉन्ड क्या होता है, एच बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, केवल बस तीन के साथ बनाएगा, खोपड़ी में बात बिठा लो, वो एफ है, ओ है, एन है, फोन के साथ बनाएगा, फोन के साथ, एफ ओ एन, क्लियर है बात। अच्छा, तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है ये हमने डिस्कस किया अभी तक, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट दैट द हाइड्रोजन एटम्स जो बॉन्ड बनाएगा वो किन एटम्स के साथ बनाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द एच बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेटा जी जो एच बंध है उसके टाइप कितने हैं। जी हां, टाइप ऑफ एच बॉन्ड, अब अपने पढ़ेंगे एच बंध के प्रकार, एच बॉन्ड के प्रकार, कि एच बॉन्ड के भी प्रकार है। हाँ बिल्कुल, इसके भी प्रकार है, है ना। तो इसके कितने प्रकार है बेटा, इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार है, दो प्रकार है इसके, कौन कौन से हैं देखते हैं अपने। इट्स नेक्स्ट टू टाइप्स। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आगे दो टाइप का होता है, कौन कौन सा। नंबर एक, नंबर एक है इंटर 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 मॉलिक्यूल एच बॉन्ड, जिसे कहोगे आप अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, क्लियर है, ओके। एंड सेकंड इज दैट इंट्रा मॉलिक्यूल एच बॉन्ड, जैसे आप कहोगे बेटा जी अंतर आणविक एच बॉन्ड। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एच बॉन्ड, फर्स्ट इज दैट इंटर एच बॉन्ड एंड सेकंड इज दैट इंट्रा एच बॉन्ड। देखो है ना, ये ध्यान रखना, इसमें रे आ रहा है तो इसमें रा आएगा, इसमें रा आ रहा है तो इसमें रे आएगा, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन बंध मेरे प्यारे साथियों दो टाइप का होता है, एक तो होता है अंतरा आणविक और एक होता है बेटा जी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो आइए एक एक लेकर के चलते हैं, अपने आराम से समझेंगे तसल्ली के साथ में, बागा दौड़ी नहीं करना है हमें। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक, नंबर एक पढ़ते हैं अपने, कौन सा पढ़े आज, सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपने इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। जी हां, इंटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड, बोले तो अंतरा आणविक एच बॉन्ड, है ना। देखो क्या होता है ये अंतरा आणविक एच बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखना, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, देखो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कैसे, सुना गौर से। जैसे मान लो कोई ए एटम है ए, और ये कोई दूसरा ए, दोनों अलग अलग हैं या नहीं है, ये ए अलग है ये ए अलग है, यानी कि है तो दोनों सेम, ये भी ए है ये भी है, लेकिन दो जने हैं, दो जने हैं ये दो जने, तो इनके बीच में अगर एच बॉन्ड बन रहा है बेटा जी, इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है ये वाला, तो उसको बोलेंगे आप ये वाला। जरूरी नहीं है ये, ऐसा भी आ सकता है एक ए और बी, ऐसे भी आ सकता है, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं,
दोनों ये सेम भी हो सकते हैं लेकिन होंगे एक दूसरे, दो जने मैं हूं एक अलग जना है, ये ए आ सकता है ये बी आ सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा उसको ये कहेंगे। बात समझ में आई? नहीं है, मैं समझाता हूं। अगर मैं किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा हूं, मैं एक एटम हूं मान लो, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना रहा हूं, तो इस बॉन्ड को कहते हैं ये वाला बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। आगे बात समझ में? या फिर मैं आपके साथ बॉन्ड ना बना करके मैंने क्या किया, मैंने इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना लिया, तो हम अलग अलग हैं। मैंने इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड बना लिया तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये वाला इंटर एच बॉन्ड। बात आगे समझ में? हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा जी, यदि दो समान या असमान अणुओं के मध्य एच बंद का निर्माण होता है तो उसे अंतरा आणविक एच बंद कहते हैं। बात आई समझ में? इंग्लिश वाले तुम लोग क्या लिखोगे, इफ एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल। आई अगेन रिपीट, इफ एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल या बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, देन द एच बॉन्ड इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। बात आई समझ में? नहीं आई तो एग्जाम्पल देखो आप, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, हाँ इसके एग्जाम्पल अपने यहां लिख रहे हैं, देखो आपकी आंखों के सामने मैं लिख रहा हूं बेटा जी, H2O की स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसे, ये H2O की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, तुमने पढ़ी हुई थी, हाँ उसमें तुमने इस प्रकार से पढ़ी थी, मैंने इसको तिरछी कर दी ऐसे, टेढ़ी कर दी, ये लो टेढ़ी कर दी, और एक और आ गया, ये लो एक वॉटर मॉलिक्यूल और आ गया, ये लो एक और आ गया, ये लो एक और आ गया, तुम्हारी इच्छा है जितनी मर्जी लेके आ जाओ, मुझे बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है या नहीं है। बिल्कुल सेम है, वो तो मैंने कहा दो समान अणु भी हो सकते हैं, दो असमान अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, देखो ये रहा एच ये रहा ओ, इनके बीच में बनेगा, ये रहा एच और ये रहा ओ, ये रहा एच और ये रहा ओ, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यार, बिल्कुल बनेगा। सो इफ द एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल और या फिर मैं कहूं बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दैट्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। अच्छा अलग अलग कैसे, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, ये लो, नाउ दिस इज द एच एफ, मतलब ये कौन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, मैंने कहा था FON फोन के साथ बनेगा, ये रहा F, ये रहा H, इसके साथ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे ये आगे बनाएगा, ऐसे ये आगे वाले के साथ बनाएगा, ऐसे ये वाला उधरा वाला आगे कोई होगा उसके साथ बनाएगा, ये आगे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सो इन दिस टाइप ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड टू सेम मॉलिक्यूल्स और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, दोनों सेम अणु भी हो सकते हैं, जैसे HF सारे सेम आगे, ये तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ वन एग्जांपल इज टेक, दिस इज द आई चेंज द मार्कर, दिस इज द HOH, दिस इज द वॉटर मॉलिक्यूल, हां पानी में मिला दो आप अल्कोहल, ये लो अल्कोहल मिला दिया, अब अल्कोहल में पानी मिलाते हैं या पानी में अल्कोहल मिलाते हैं, ये आपको भी पता होगा या फिर किसी को भी पता होगा, है या नहीं है? तो पानी में अल्कोहल नहीं मिलाया जाता, ध्यान रखना, अल्कोहल में पानी मिलाते हैं हम। अच्छा ये मिलाते क्यों है,
अच्छा मैं एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा बेटा, बल्कि मैं केमिस्ट्री के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं कि जो हमारा एल्कोहल है, जो जिसको अपने बोलते हैं शराब, उसमें पानी मिलाया जाता है और क्या बनता है वो तुम्हें पता है। लेकिन ऐसे नहीं करते, पानी में एल्कोहल नहीं मिलाते, ध्यान रखना सर। बात तो एक ही है। अरे बात एक नहीं है, बात इसलिए एक नहीं है क्योंकि जो एल्कोहल है उसकी जो बेटा जी डेंसिटी होती है, डेंसिटी, वो डेंसिटी पानी से कम होती है। और पानी की जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है या नहीं है, तो तुम लोगों ने पहले पानी ले लिया, ये लो तुमने पहले पानी ले लिया, ये लो पानी ले लिया तुमने, पानी नीचे होगा क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, भारी होगा। उसके बाद में तुम एल्कोहल डाल रहे हो, उसके बाद में अगर अपने इसमें एल्कोहल डालें तो एल्कोहल बेटा जिसके ऊपर रहेगा, ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर ही रहेगा, मिलेगा नहीं आसानी से, है या नहीं है। धीरे धीरे डाले तो मिलेगा नहीं है, इसलिए ये ऐसे रह जाता है। इसलिए हम पहले क्या लेते हैं, इसलिए हम पहले ये लेते हैं, ये लेते हैं एल्कोहल, लेते हैं एल्कोहल, ये लो ये एल्कोहल लेते हैं पहले, ये एल्कोहल ले लिया, ये लो। अब उसमें क्या डालते हैं अपने, हाँ अपने नहीं डालते, मतलब जो डालने वाले हैं वो डालते हैं, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट अपने कर रहे हैं। उसमें जब पानी डालेंगे तो ये पानी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये पूरा मिक्स हो जाएगा, इस प्रकार से ये पूरा मिक्स हो जाएगा, है नहीं। तो एल्कोहल में पानी मिलाया जाता है, पानी में एल्कोहल नहीं मिलाते, ये ध्यान रखना आप लोग। खैर छोड़ो, ये हमारी बातचीत थी, चलते हैं इसके आगे वापिस। अच्छा देखो जरा क्या दिख रहा है आपको, हाँ ये दिख रहा है कि H और O के साथ बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। ये जल कणु है, अलग है, वो एल्कोहल है, वो अलग है। तो ये सेम अणु भी हो सकते हैं, समान अणु भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सेम मॉलिक्यूल और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, देन द हाइड्रोजन बॉन्ड इज नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, लाइक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। आई एम सॉरी, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, and this is the third example of the intermolecular export. Is that clear? ये तो ही हमारी बात बेटा जी inter H molecule के बारे में। But now we discuss about the intramolecular H bond. इसका मतलब क्या होता है? अब इसके बारे में देखते हैं अपने। तो next heading डालो, number B. Intramolecule H bond. अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब अंतर आणविक एच बंद। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, मेरे को देखो आप, अरे इधर देखो, इधर देखो यार, देखो मैं अगर अलग हूं, आप अलग हो, मैं आपके साथ बॉन्ड बना रहा हूं, ये लो बॉन्ड बनाओ आप अपने साथ, है, और मेरा आपके साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है, क्या हम अलग अलग हैं? बिल्कुल है, आप अलग हो, मैं अलग हूं, है या नहीं? आप मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हो, तो हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हमने नाम दिया था वो वाला बॉन्ड, कौन सा? इंटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रा मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर आणविक। अब मैं आपके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, मैंने खुद ने खुद के साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसे ये लो, मैं खुद एक मॉलिक्यूल हूं, मैंने खुद ने खुद के साथ बॉन्ड बनाया है। तो बताओ ये जो बॉन्ड बना है ये किसके बीच बना है? एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो एटम है उनके बीच में बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता हूं तो वो वाला बॉन्ड था, लेकिन अगर मैं अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता हूं तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे ये वाला बॉन्ड। बात आई समझ में कि नहीं आई? हां नहीं आई तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा जी। जब किसी एक अणु या अणुओं, सॉरी एक अणु लिखेंगे, एक अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं द्वारा
आपस में एच बंध का निर्माण किया जाता है उसे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसे अंतर आणविक एच बंद कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द एच बॉन्ड इज प्रेजेंट या इफ एच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, एंड नाउ हाउ इट्स पॉसिबल? अब कैसे पॉसिबल है ये? मैंने कहा मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, एक मॉलिक्यूल होगा लेकिन एक मॉलिक्यूल के परमाणु बनाएंगे बॉन्ड, परमाणु परमाणु। तो जब एक ही अणु के परमाणु आपस में बंड बना लेते हैं उसको बोलेंगे अपने इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। एग्जांपल देखो, एग्जांपल मुझे लगता है आप लोग एग्जांपलों के साथ में आसानी से समझोगे। हाँ देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं, अपने खुद को बनानी पड़ेगी। ये लो, ये रहा आपके सामने बेटा जी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। लेकिन मैंने इसमें बॉन्ड दिखा दिए, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है मेरे प्यारे साथियों, ये बन चुकी है बेंजीन। क्या बन गई ये? दिस इज द बेंजीन। क्या बन गई? बेंजीन। अरे बेंजीन नहीं, दिस इज द बेंजीन, बेंजीन, दिस इज बेंजीन। अच्छा आगे चलते हैं। इस बेंजीन पे मैंने क्या किया? इस बेंजीन के इस ग्रुप पर, इस ग्रुप पर, इस ग्रुप पर मैंने जोड़ दिया बेटा जी। क्या जोड़ दिया? ये लो, ये जोड़ दिया मैंने, नाइट्रो ग्रुप। अब इसका नाम है हमारा नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम है? नाइट्रो बेंजीन। इसके अलावा मैंने और क्या किया है? इसके अलावा मैंने मेरे प्यारे साथियों यहां पे जोड़ दिया मैंने OH ग्रुप। ये लो OH ग्रुप, ये वाला ग्रुप जोड़ दिया हम लोगों ने, है ही नहीं। अब इसका नाम अगर अपने लिखना चाहें तो मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम अब हमारा ये ना होकर के अब इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टू नाइट्रो फिनोल, ये कह सकते हो आप। हाँ ये इसको साफ कर देता हूं, ये बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ, इसको कहते हैं फिनोल। ये एक नंबर कार्बन, ये ऊपर वाला दो नंबर कार्बन आ जाएगा, और टू नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द टू नाइट्रो फिनोल। गौर से देखो, एक जना है ये, अलग अलग नहीं है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। मैंने भी कहा था कि मैं अगर आपके साथ में बॉन्ड बनाता हूं वो ये वाला था, लेकिन अब मैंने अपने साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, मैंने खुद ने अपने साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। देखो ये पूरे केल है, सिंगल मॉलिक्यूल है ये, इस पूरे का नाम ये दिख रहा है आप लोगों के सामने, इसका पूरा नाम ये है, दिस इज द टू नाइट्रोफिनोल। देखो ओ कहां पे, ये रहा ओ, एच कहां पे, ये रहा। देखो ये बन जाएगा बॉन्ड ये वाला, ये देखो ये बन गया बॉन्ड। बना के नहीं बना? बिल्कुल बना, ये बना गया बॉन्ड। हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बोलो यार, चलो ज्यादा नहीं दिखाए, अपने ऐसे दिखा देते हैं। सो दिस बॉन्ड इज नोन एज, दिस बॉन्ड इज नोन एज ये वाला इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूल एच बॉन्ड। बात समझ में आगे कि नहीं आई? तो प्रश्न कई बार आप लोगों से कंसीडर किया जाता है, व्हाट यू थिंक अबाउट द इंट्रा मॉलिक्यूल एच बॉन्ड एंड इंट्रा एच बॉन्ड। आप लोग अंतर आणविक एच बॉन्ड और अंतर आणविक के अलावा अंतरा आणविक एच बॉन्ड से आप लोग क्या समझते हैं? तो अभी तुम लोगों ने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों, क्या डिस्कस किया कि जब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ईएन कम होता है, हाइड्रोजन का ईएन कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन उनके साथ बंध बनाता है जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और ज्यादा किसकी होती है? एफ ओ एन की ज्यादा होती है, इसलिए उनके साथ में आंशिक बंध बनाता है, दुर्बल बंध बनाता है। उसी दुर्बल बंध को तुम क्या कहते हो? एच बंध के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आगे बताया कि हाइड्रोजन जो है वो जनरली फोन के साथ बंध बनाता है, फोन बोले तो एफ
ओ एन के साथ बंध बनाते हैं। अपवाद है हमारा ये वाला सी एल, कभी कभी है ना दिल में ख्याल आएगा तब वो सी एल के साथ में भी एच बंध बना लेगा, ध्यान रखना। देखिए अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक दो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एच बंध पाया जाएगा लेकिन सभी के अंदर नहीं पाया जाता। तो याद रखना, बस अपने को तो ये याद रखना है कि वो किसके साथ बंध बनाता है बेटा जी, एफ ओ एन के साथ बंध बनाता है। नेक्स्ट आगे हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ द एच बॉन्ड, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द एच बॉन्ड, फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूल एंड सेकंड इज द इंट्रामॉलिक्यूल। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब होता है दो समान मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर दिस, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में एच बॉन्ड बन गया। देखो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा एल्कोहल, इनके बीच में एच बॉन्ड बन गया। तो जब दो अलग अलग या दो समान अणुओं के बीच में एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको तुम बोलोगे बेटा जी इंटरमॉलिक्यूल एच बॉन्ड। और यदि 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 क्या, यदि बेचारा अकेला परमाणु ही खुद बॉन्ड बना रहा है, मैं अपने साथ में खुद बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूं, उसको तुम क्या बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूल एच बॉन्ड। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द इंट्रामॉलिक्यूल एच बॉन्ड, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका। तो ये थी बात हमारी बेटा जी एच बॉन्ड के बारे में और एच बॉन्ड कितने टाइप का होता है उसके बारे में, और विद आप लोगों के मैंने एग्जांपल्स भी आप लोगों को डिस्कस करवाए मैंने। अच्छा बिफोर आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले एक 12th क्लास में, हाँ 12th क्लास में, मैं आपको बताता हूँ 12th क्लास में एक क्वेश्चन आया था, हाँ एनुअल में आया था, मे बी आई थिंक हो सकता है 2018 में या 17 में आया था। यह आया था कि H2O और H2S, अच्छा तुम्हें पता है ऑक्सीजन की फैमिली, तुम्हें पता है क्या ऑक्सीजन की फैमिली में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फिर कौन आता है सेलुनियम आता है कि नहीं, फिर कौन आता है टेलुनियम आता है, फिर कौन आता है पोलिनियम आता है, ये ऑक्सीजन की फैमिली है। अब इसने ऑक्सीजन ने H2 से क्रिया कर ली, इसने H2 से क्रिया कर ली, इसने H2 से क्रिया कर ली, तो मुझे बताओ ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2S, है या नहीं है। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए था, पानी जनरली कौन सी फॉर्म में मिलता है हमको, वाटर फॉर्म में मिलता है, सॉरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, हाँ आइस के फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सही है, वेपर के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो वाटर की जो अमाउंट है हमारी वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, हैं बिल्कुल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो प्रश्न ये आया था कि H2O लिक्विड होता है कमरे के ताप पर, लेकिन H2S कमरे के ताप पर गैस है, इसका कारण बताओ, ये प्रश्न आया था Why H2O is liquid and H2S gas at room temperature? H2O कमरे के ताप पर द्रव है लेकिन H2S is gas at the room। अच्छा रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है मेरे प्यारे साथियों 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसमें 273 केल्विन अगर जोड़ दोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन, दिस इज द 298 केल्विन इज द रूम टेम्परेचर, ये कमरे का ताप है। तो प्रश्न ये आया था कि भैया बताओ पानी कमरे के ताप पर लिक्विड होता है, H2S कमरे के ताप पर गैस, कारण क्या है इसका। तो कारण आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, कारण तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये लो अब आप लोगों को दिखाई देगा, आंखें खोल के देखो, मैंने लिख दिया H2O और मैंने बनाई H2S, ये H2S 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 H2S, ये लो। मुझे एक बात बताओ क्या इसमें H बॉन्ड बनेगा क्या, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर देता हूं ग्रीन से, बिल्कुल बनेगा इसके बीच में, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो लाल से, इसके बीच में H बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में H बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में H बॉन्ड बनेगा, आगे भी बनाएगा ये पीछे भी बनाएगा। तो वॉटर मॉलिक्यूल में तो एच बॉन्ड होता है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एच बॉन्ड इन द वॉटर मॉलिक्यूल इट्स प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसका मतलब क्या होता है, ए भैया साहब हो जा, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसमें एच बॉन्ड बनेगा क्या मेरे प्यारे साथियों, अरे इसमें एच बॉन्ड बनेगा ही नहीं यार, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसमें एच बॉन्ड बनता ही नहीं। हमें पता है एच बॉन्ड बनता है एफ के साथ या ओ के साथ या एन के साथ, या तो बनेगा इसके साथ इसके साथ इसके साथ। देखो H और O के साथ बनता है क्या, H और O के साथ बनता है क्या, H और S के साथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे साथियों इसमें तो H बॉन्ड होता है, इसमें H बॉन्ड नहीं होता। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H बॉन्ड इन वॉटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म बट इट्स कांट प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। बात आई समझ में,
तो ये थी बातें हमारी इसके बारे में, एच बॉन्ड के बारे में, कि एच बॉन्ड क्या होता है, एच बॉन्ड किसे कहते हैं और किस प्रकार से एच बॉन्ड के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन तमाम बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? कोई कंफ्यूजन है। नाउ इसके आगे बात करते हैं अपने, ऐसा इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला टॉपिक लेते हैं अपने। अब अगला एक टॉपिक है लास्ट एंड फाइनल। बच्चों के कमेंट आए थे कि सर ये टॉपिक करवाया नहीं। बेटा जी जो टॉपिक नहीं करवाया तो मुझे आप लोग बता दिया करो, क्योंकि कई बार मैं भी एक आपके जैसा ही हूं, भूल जाता हूं। बॉन्ड एंगल, हाँ आबंध कौन, ये टॉपिक रह गया था, वैसे बता दिए थे। आबंध कौन, क्या होता है आबंध कौन, हाँ बताओ जरा। देखो जब भी कौन निकालोगे ना, हाँ हाँ, तो कौन ज्ञात करने के लिए कम से कम तीन एटम होने चाहिए। कितने? तीन। दो एटम के बीच में कभी भी बॉन्ड एंगल फाइंड नहीं किया जाता। सो बॉन्ड एंगल जो फाइंड किया जाता है उसके लिए तीन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है, है या नहीं? तीन परमाणुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो बंध कौन, जैसे तीन परमाणु कैसे, जैसे ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया ये लो बी। तो देखो ये बॉन्ड एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे बिल्कुल बनेगा। तो तीन परमाणु, अब ए और बी के बीच में कौन सा, कहां से निकालोगे बॉन्ड एंगल, कैसे पता करोगे? हाँ नहीं बता सकते अपने आगे? हाँ कम से कम तीन होने चाहिए, तीन से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल जो फाइंड किया जाता है वो बिटवीन द थ्री एटम्स के फाइंड किया जाता है। तीन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड एंगल ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है बॉन्ड एंगल, किसे कहते हैं क्या होता है बॉन्ड एंगल, देखिएगा जरा सामने। यौगिक में पाए जाने वाले परमाणुओं के मध्य बने कौन को आबंध कौन कहते हैं। हाँ क्या कहोगे बेटा जी, इंग्लिश वाले तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप क्या लिखना चाहोगे? हाँ द एंगल विच इज हटाओ अपने यार, ये हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता ही नहीं होती लगाने की। विच मेड बिटवीन एटम्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ कंपाउंड, हाँ कंपाउंड के लिए एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट्स भी हो सकता है, हाँ हाँ एलिमेंट भी हो सकता है, ध्यान रखना एलिमेंट भी हो सकता है। हाँ दैट्स नोन एज बॉन्ड एंगल। कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है उस यौगिक या तत्व के बीच में जो हमारा क्या बनेगा एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं ये वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। आबंध कौन कहते हैं। अच्छा कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए सामने, कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? यदि केंद्रीय परमाणु में लोन पेयर उपस्थित हो तो आबंध कौन में कमी
आ जाती है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज। मैं दोबारा कह रहा हूं कि भैया क्या उपस्थित होने की वजह से, मैंने ये पहले भी बताया था, वेस्पर थ्योरी तुम लोगों को याद है क्या? हाँ, वेस्पर थ्योरी में मैंने ये बात बताई थी कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर उपस्थित होने की वजह से बॉन्ड एंगल में थोड़ी क्या आ जाती, कमी आ जाती है, आबंध कौन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। सो इफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर एटम देन द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, तो बंध कौन क्या हो जाता है बेटा जी, घट जाता है। जैसे देखो सामने एग्जाम्पल, देखो आप ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं यार, BeCl2 की बात करो तो उसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, गोल बनेगा क्या, गोल देखते हैं इसके, ओहो ये तो अलग सी चीज है, गोलाई में बनता नहीं है ये, नहीं नहीं बनेगा, चलो अपने ऐसे बना लेते हैं। हाँ जी, तो क्या कहा, ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो 180 डिग्री एंगल होगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ, एग्जांपल करें, CO2 की स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बनाई थी तो CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाई थी, बनने वाला बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा यार, बिल्कुल बनेगा हमारा। फिर तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाई थी BH3 की स्ट्रक्चर बनाई थी, कोई इसमें एंगल उंगल नहीं है, सो एंगल क्या, लोन पेयर नहीं है, इसमें बीच में बनने वाला एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। और यदि लोन पेयर आ जाए, इफ द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द सेंटर एटम देन द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तुम लोगों ने जिंदगी में कभी भी H2O की स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ी तो थी, लेकिन तुम लोगों की ऐसी स्ट्रक्चर बनानी नहीं है तुमको, क्योंकि यहां पे O के पास में दो दो लोन पेयर होते हैं, एक भी नहीं होता, सेंटर एटम के पास में दो दो लोन पेयर होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 ना होकर 180 से घट जाता है। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि इसके पास में कितने लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर हैं। तो खोपड़ी में ये बात घुसा लो, खोपड़ी में ये बात बिठा लो कि वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल, ये मेरे प्यारे साथियों कितना डिग्री होता है, 104.5 डिग्री। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, द बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज डैश 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 डैश, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक दो एग्जांपल याद रखें, जैसे NH3 है, NH3, अब NH3 की तुमने स्ट्रक्चर बनाई थी अगर तुम लोगों को याद है तो उसमें भी एक लोन पेयर था। अब क्या इसका एंगल 120 डिग्री होगा क्या? ये भी BH3 है, ये भी NH3 है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, सो द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री, नॉट 120, द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री इन NH3। तो याद रखना ये बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है। देखो तीन परमाणु लिए मैंने सब में, देखो तीन परमाणु, एक दो तीन के बीच, एक दो तीन के बीच, एक दो तीन के बीच, सब में तीन तीन आएंगे, एक दो तीन के बीच, एक दो ये तीन के बीच ये वाला, या फिर एक दो तीन तीन के बीच, खोपड़ी में ये बात बिठा लो। तो किसी कंपाउंड में बॉन्ड एंगल को अगर हमें शो करना है, सो तीन एटम्स की हम लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तीन परमाणुओं के मध्य हम बॉन्ड एंगल को दिखा पाएंगे, तभी हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अदरवाइज बड़े दो एटम्स के बीच में बॉन्ड एंगल अपने शो नहीं कर पाएंगे। बात आ गई समझ में? तो ये थी बातें हमारी बॉन्ड एंगल के बारे में, और लोन पेयर की वजह से बेटा जी बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा बंध लंबाई भी तुम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी तुमने पढ़ लिया था, बॉन्ड एंथैल्पी भी तुम लोगों ने पढ़ ली थी, जालक एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, तमाम चीजें तुम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो मुझे नहीं लगता कि शायद तक अभी इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, हाँ फिर भी अगर रह जाते हैं तो मैं एक बार वापस देख लूंगा बेटा जी, और आप भी देख लेना कि कुछ टॉपिक बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए। कल कमेंट देखे थे मैंने, तो एक तो बॉन्ड एंगल का टॉपिक बताया था उन्होंने, है ना, और एक साथ में बताया था, और तो कुछ नहीं बताया, एच बॉन्ड वाला तो मैंने आप लोगों को करवाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर जो था वो हमारा वो फिनिश हुआ, है ना। अब इस चैप्टर के रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन की अगर मैं बात बताऊं तो बेटा जी हाफिली में आने के क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं एक भविष्यवाणी कर दी कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ जहां तक मेरा अनुमान है कि एनुअल की बात तो बात की होगी, हाफली की अगर अपने बात करें तो ये वाले क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस होंगे। कौन कौन से, आओ नंबर पहला क्वेश्चन, जैसे यहां तो बेटा जिसमें तुम ध्यान रखना
क्या आयनिक बंध अच्छी तरह से पढ़ लेना आप। आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बंध का आयनिक बॉन्ड ढंग से पढ़ लेना आप, ठीक है। आयनिक बॉन्ड अच्छी तरह से पढ़ लेना आप, क्योंकि आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड शायद तक हो सकता है मे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। आयनिक बॉन्ड अच्छे से पढ़ लेना कि आयनिक बॉन्ड का एमपी क्यों ज्यादा क्यों होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, आयनिक बॉन्ड का उदाहरण बताओ, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। पहला है ना, मैं टॉपिक लिख रहा हूं बस, ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं टॉपिक बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तुम लोग बता पढ़ना बेटा जी सहसंयोजक बंध। हाँ, सहसंयोजक बंध भी पढ़ना और सहसंयोजक बंध के प्रकार भी पढ़ना। सहसंयोजक बंध वे प्रकार, कोवेलेंट बॉन्ड और इसके टाइप, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये तुमने पढ़ा था है ना। हाँ, इसके अलावा बेटा जी लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना, लुईस संरचना। लुईस संरचना कईयों की लुईस संरचना पूछी जा सकती है, जैसे CO2 की पूछ लेगा, CH4 की पूछ लेगा, O3 की पूछ लेगा, SO2 की, है ना। ये वाली लुईस स्ट्रक्चर और भी कई सारी मैंने आपको करवाई थी, तो लुईस स्ट्रक्चर पक्का आप लोग याद करके जाना। मैं भी हो सकता है कि एक दो लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों से कंसिडर पक्का करेगा वो। हाँ, पक्का पूछेगा वो। अच्छा, इसके अलावा कुछ परिभाषाएं जो तुम लोगों ने डिस्कस की थी है ना, तो वो परिभाषाएं जैसे आबंध लंबाई नहीं पर ज्यादा इंपॉर्टेंट, आबंध ऊर्जा जैसे है, आबंध कोटि, आबंध कोटि है ना, और जालक ऊर्जा, ये तीन परिभाषाएं मेरे तरफ से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए है ना। इसके अलावा बेटा जी आप लोगों से वेस्पर थ्योरी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से कंसीडर तो मुझे नहीं लगता कि करेगा वो, वेस्पर थ्योरी ज्यादा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप लोगों की ये जो क्या नाम है एमओटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमओटी जो थ्योरी है बेटा जी वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। कल की वीडियो में अपने एमओटी थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ा था अपने, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आप लोग अच्छे तरह से गहराई से पढ़ के जाना आप, क्योंकि इतने ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे हमारे, है ना। वैसे तो क्वेश्चंस काफी आते हैं, बस मैंने एक आइडिया दिया है कि ये वाले अच्छे तरह से तरीके से आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये टॉपिक हमारे क्या है काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हो सकता है कि इस चैप्टर में के अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा मैं, कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, वो तमाम बातें भी रहेंगी हमारी, तो वो अगले सेशन में रहेंगी। अभी तो हाल फिलहाल जब आगे अनाउंस कर दिया जाएगा कि इस डेट पर हम लोगों ने लेसन नंबर 3 को याद करके आना है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 का लाइव सेशन रखा था, जस्ट सिमिलर चैप्टर नंबर 3 का भी अपने लाइव सेशन रख लेंगे। तो ठीक है बेटा जी, तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना मस्ती के साथ में और पढ़ते रहना, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है, है ना। आज हम लोगों के बस 15 दिन ज्यादा से ज्यादा मान के चलो, 15 दिन भी नहीं है, है ना। तो लगभग 10-12-15 दिन ही हमारे पास में है, तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। नो डाउट आप लोगों का 1-2 चैप्टर और करवा दूंगा मैं, नहीं तो कम से कम 1 चैप्टर तो मैं यार पक्का ही करवा दूंगा। हाँ, ये ध्यान रखना आप, पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है मैंने आपको बता दिया है ना, और तीसरा चैप्टर फिनिश हो चुका है मैंने आपको बता दिया, चौथा चैप्टर फिनिश हो चुका है मैंने आपको करवाया, आठवां चैप्टर भी फिनिश हो चुका है ये भी हमने किया, और हाफली में टोटल चैप्टर में तुम्हें बताऊं टोटल तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है। अब पूरे 9 चैप्टर, तो इसका मतलब बेटा जी लगभग चैप्टर आप लोगों के आएंगे लगभग 5 चैप्टर आएंगे शायद तक में भी ना, तो 5 चैप्टर आएंगे, तो उसमें 1 चैप्टर और कर लेंगे अपने, दूसरा चैप्टर और कर लेंगे अपने, थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे अपने। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होगा आपके लिए, तो क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स मैंने शुरू करवा दिया, तो आप लोग हाफिली में भी थोड़ा कंफ्यूजन रहोगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी कंफ्यूजन रहोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो काफी थोड़ा सा कहते हैं ना एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा है ना, थोड़ा सा टफ भी लगेगा। सो इससे बेटर ये है कि अपने पहले सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, सेकंड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर काफी आसान है हमारा, तो उसके बाद में हो सकता है कि आपके टाइम बचेगा तो देन वी ऑल्सो स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6 अपने स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा जी हाफली के आने से पहले पहले मैं आप लोगों को 5 चैप्टर करवा दूंगा यार, और क्या चाहिए बच्चों की जान लोगे क्या आप। हाँ, 9 चैप्टर में से 4-5 चैप्टर हो गया है आपके, और बाकी चैप्टर अपने एनुअल के लिए रखेंगे। हाँ, नहीं तो अभी तुम लोगों को मैंने सारे चैप्टर करवा दिए, उसके बाद में फिर एनुअल तक मेरे पास में कौन आएगा है ना, और आप लोगों के साथ में यूं ऐसे इतना लगाव हो चुका है कई मेरे प्यारे साथियों के साथ में कि उनके बिना तो हम लोग रह नहीं सकते है ना। तो आप लोग मस्त तरीके के साथ में
अच्छे तरीके के साथ में पढ़ाई करते रहना बेटा जी, और अगला जो भी सेशन होगा अपना उसमें अपने चैप्टर नंबर 3 को भी न्यूमेरिकल्स या फिर अपने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम करता हूं मैं, अगली क्लास में अपने चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो शुरुआत करेंगे अपने। ठीक है बेटा जी, तो यूं हंसते रहना खिलखिलाते रहना बेटा जी, तो आज की सभा को यहीं पे अपने विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत।